हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पे SSO ID की ज़रूरत होती है। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सभी योजना और सभी ऑनलाइन आवेदन के लिए SSO ID मान्य कर रखी है और इनका अलग से ही एक पोर्टल है, ई मित्रा। तो दोस्तों, आपको पता ही है। तो दोस्तों, ये SSO ID अन्य किसी कोई भी फॉर्म हो, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो और ऑनलाइन अप्लाई कोई भी वैकेंसी हो, सरकारी वैकेंसीज, तो इसमें SSO ID की होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं और पूरी प्रोसेसिंग बताऊंगा मैं आपको। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, SSO ID बनाने के लिए आपको बामासा, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उसमें लिंक होना अनिवार्य है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटे के निशान को प्रेस जरूर करें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपके लिए लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल सर्च बार में हमें SSO ID सर्च करना है और फिर हमारे सामने ये फोल्डर खुलकर आ गया है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। दोस्तों, हमें रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये दोस्तों, ये यहाँ पर हम सिटीजन और पर क्लिक करना करेंगे तो हमें सिटीजन के लिए चाहिए, तो हम जन आधार और बामाशा कार्ड और Google ID या फिर फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप उद्योग कोई धंधा काम धंधा करते हैं तो उद्योग से भी लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ बामाशा ले लेते हैं। यहाँ पर अपना बामाशा नंबर दर्ज करना है, जो इंग्लिश में कैपिटल अक्षर में होता है। मेरे ये सही नहीं लगा है। दोस्तों, हमें किसी भी तरह से एकदम सटीक ID बननी है। हम इसे बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये देखो, ये हमारा बामाशा की डिटेल आ गई है। हमें सदस्य चुन लेना है कि किस सदस्य के लिए आप ID बना रहे हो। मैंने मेंबर चुन लिया गया है। ये लिखा हुआ रहा है, इस मेंबर का इस मोबाइल नंबर में, इस बामाशा में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। मैं यस कर दूंगा तो ये जिसका भी लिंक है, जो मुखिया है उसका लिंक है, उसके मोबाइल पे एक OTP जाएगा और वो OTP हमें दर्ज करना है। ये OTP आ गया है, मैं ये OTP डाल देता हूँ और फिर एंटर करना है। जैसे हम एंटर करेंगे, हमारे सामने ये SSO ID ऑटोमेटिकली बनकर आ गई है। अब दोस्तों, हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है। मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मौखिक याद रहे, ऐसा कुछ होना चाहिए और जो इसमें भी वैलिड होना चाहिए। SSO ID में वैलिड होते ही ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा प्रोसेस लेता है। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मेरी वैलिड हो गई है और अभी हमें पासवर्ड दर्ज करना है। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं यहाँ पासवर्ड दर्ज कर देता हूँ और अभी कंफर्म पर वापस कंफर्म कर देता हूँ और फिर दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके पास अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस भी आप नीचे डाल सकते हैं। दोनों आप चाहे तो दोनों डाल सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर आप कभी भविष्य में अपनी ID भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसके ऊपर ही वापस पुनः सेंड करे जाएंगे और इससे आपको ID वापस, खोई हुई ID वापस मिल सकती है और कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो उस ID पर आपको मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये सक्सेसफुल क्रिएटेड बाय ID सक्सेसफुल आ गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो के अंत में DBT के लोगों पर क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।